हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पनास कुकिंग स्टाइल। आज हमने बनाया दही बड़ा। ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी हुआ, तो इतना सॉफ्ट बड़ा कैसे बनाया यही हम आज कुछ टिप्स के साथ बताएंगे, तो साथ रहिए। मैंने 150 ग्राम उड़द दाल लिया और 75 ग्राम मूंग दाल। ये दोनों दाल मिला के बड़ा बनाने से ये बड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप भी कभी इस तरह दाल मिला के बड़ा बनाइए तो फर्क आपका खुद को ही पता चलेगा। ये दाल को मैंने अच्छी तरह धो लिया और इसे हमने 4 घंटे के लिए भीगने देंगे। ये देखिए 4 घंटा हो गया, अब ये भीग के इतना मोटा मोटा हो गया। ये देखिए, अब इसको हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। ग्राइंडर में मैंने दाल डाल लिया और इसमें 4 हरी मिर्ची और 1/2 इंची टुकड़ा अदरक को काट के इसमें हम डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। मुझे बहुत ही सूखा सूखा करके पीसना है, तो इसलिए मैंने स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे डाला है, क्योंकि ज्यादा गीला हो जाएगा तो बड़ा ठीक से बनेगा नहीं। अब हम इसे पीस लेते हैं। मैंने सारे दाल को पीस लिया और देखिए इस तरह ठीक रखा। ये बड़ा बनाने के लिए परफेक्ट बैटर है, इससे ज्यादा लिक्विड करेंगे तो ये बड़ा ठीक से बनेंगे नहीं। मैंने इस बैटर में 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा डालने से क्या होता है, ये बड़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हमें एक बड़ा बर्तन में इसे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये बर्तन फेंटने के लिए थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। ये मैंने बड़ा बर्तन पर ट्रांसफर किया क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह फेंटना है। अब हम इसे 10 मिनट तक फेंट लेंगे। देखिए मैंने 10 मिनट तक ये फेंटा और एक ही डायरेक्शन पे ये फेंटना है, ताकि इसका अंदर एयर क्रिएट हो और पकौड़ी इसमें बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी बने। आप अगर उल्टा डायरेक्शन में कभी मत फेंटिए, इसमें जितना भी एयर आपका क्रिएट होता है वो सारे नष्ट हो जाता है। तो यही एक टिप्स है। और दूसरा टिप्स है, जैसे मैंने ये बैटर फेंटाया और थोड़ा सा बैटर मैंने हाथ पे लिया और इसको हाथ को उल्टा किया, देखिए एक गिन नहीं रहा है। इसी स्टेज में आप फेंटना बंद करना है। ये दो टिप्स को आप ध्यान पे रखें तो डेफिनेटली आपका पकौड़ा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा। एक बर्तन में हल्का से गुनगुना पानी लिया। इस पानी में हमने 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे और 1/2 टीस्पून नमक। ये दोनों डाल के हम पानी को थोड़ा सा मिला लेंगे और इसे ढक के हम साइड पे रख देंगे, ताकि जब हम पकौड़ी बनाएं और इसमें हम तुरंत डालें। कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया। अब हाथ में थोड़ा से पानी लेके ये बैटर हाथ में लेके एक एक पकौड़ी बना के ये तेल में डालना है। और इस तरह हम सारे पकौड़ी डाल के इसे पलट पलट के ब्राउन कलर होने तक हमने इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं डाला। आप जितना फेंटेंगे उतना ही आपका बड़ा फ्लॉपी होगा। देखिए सारे बड़ा अभी फूल के मोटा मोटा हो गया और ऐसे पलटते रहेंगे ताकि बराबर चारों तरफ से कलर आ जाए और फ्राई हो जाए। ऐसा मीडियम फ्लेम में सारे बड़ा को हम फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन हो गया, ये बड़ा फ्राई हो गया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने उतनी बैटर में आधा बैटर से मैंने इतना बड़ा बना लिया। उधर एक बड़ा मैंने तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्जी फ्लॉपी हुआ और एकदम अंदर जालीदार बना। तो आप इसी तरह बनाइए। अब हम इसे जो पानी बनाया था उसको पानी में डालेंगे। ये जो पानी बनाया था पानी में थोड़ा से अभी मिक्स कर लेती हूँ और ये जितना बड़ा है ये हम पानी में डाल देंगे और इसे आधा घंटा हम भीगने के लिए रख देंगे। एक बॉल में दही लिया और उसमें हमने 2 टेबलस्पून चीनी ऐड किया। थोड़ी सी मिक्स करके हम इसे छोड़ देंगे ताकि चीनी पूरा पिघल जाए। तुरंत अगर इसे हम मिक्स करेंगे फेंटेंगे तो ये पानी पानी हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे 15 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं। 15 मिनट हो गया, अभी हम इसको दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे।
अब चीनी का रेशियो कम ज्यादा कर सकता है, जिन लोगों को थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद है वो थोड़ा ज्यादा चीनी डाले, जिन लोगों को थोड़ा से ज्यादा खट्टा पसंद है उसी हिसाब से आप दही में चीनी ऐड कीजिए। देखिए चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब हो गया हमारा फेटना जो बड़ा भिगा के रखा था, देखिए कितना मोटे मोटे हो गया भीग के। तो इसे हमें अभी पानी निचोड़ के एक प्लेट में डालना है, मैं थोड़ा निचोड़ के दिखा ली तो किसी हिसाब से डालना है। एक बड़ा को हाथ पे लिया और इस तरह हमें ज्यादा प्रेशर दे के नहीं निचोड़ना है। देखिए इसी तरह थोड़ा से एकदम से ड्राई ना हो जाए, थोड़ा से पानी रहे, उसी तरह हमें इसे सारे प्लेट में एक एक करके निकाल लेना है। ये सारे बड़ा मैंने निचोड़ के ले लिया, एक आपको काट के दिखा रहे हो कितना स्पंजी हुआ, ये देखिए इसको टेक्सचर। अब इसे सर्व करने के लिए हम रेडी कर लेते हैं। और इस कप पर फैटी हुई ढेर सारे हम दही डाल देंगे। और इसमें थोड़ा से काली नमक हम छिड़क देते हैं, थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़ा भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे इमली की चटनी। ये चटनी मैंने घर पे बनाया, किसी दिन ये चटनी बनाने का बाद वीडियो दिखाएंगे। और लास्ट में डालेंगे हरी मिर्ची की चटनी, ये भी मैंने घर पर बनाया। तो आज का ये दही बड़ा का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ। बाय।